back to Jaago Lahore, Janab. और मैं यहाँ पर आ गई हूँ. मेरे पास एक जबरदस्ती आर्टिस्ट मौजूद है, अलीना नकवी इनका नाम है और ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट का बहुत जबरदस्त काम करती हैं. अलीना, वेलकम टू शो. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ. अच्छा अलीना, सबसे पहले मुझे बताएं कैसे इतनी बारीक बीनी का काम इतनी हिफाजत से कर लेती हैं? हमेशा से शौक था? बहुत शौक था. तो मेरी मम्मा आर्टिस्ट हैं. अच्छा, उनको देख के, उनसे सीख के फिर मैंने ये सब काम किया. जबरदस्त. तो किस तरह से आगाज हुआ काम करने का? कुछ घर पर कोई चीज बनाई और किस तरह की जो चीजें हैं आर्ट एंड क्राफ्ट क्या बना दिया? मैंने मम्मा को देखा स्केचिंग करते हुए, स्केचिंग से स्टार्ट किया. उसके बाद बाद आर्ट एंड क्राफ्ट का काम शुरू कर दिया. कोर्सेज किए, सीखा. अच्छा, सब कुछ किया. प्रॉपर्ली सीखा. तो अपनी चीजों के बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या है. वॉल क्लॉक नाज़रीन, अगर आपको घर पर अपनी वॉल क्लॉक बहुत बुरी लग रही है, प्लेन लग रही है, सिंपल लग रही है, तो आप इस वॉल क्लॉक को देख लें. मैं इसको उठा के दिखा देती हूँ. ये स्केच पकड़ेंगे अलीना और मैं आपको ये वॉल क्लॉक दिखा देती हूँ. जनाब ये देख लें, इस पे सीशल्स लगे हुए हैं जी, सीशल्स. और इसके अलावा थोड़ा सा इन्होंने उस पे वो भी लगाया हुआ है, कुछ शीट है जो ग्लिटरी है. बिल्कुल ऐसे ग्लिटर शीट है, ग्लिटर शीट है. और आपकी वॉल क्लॉक अगर आपको बहुत बुरी लग रही है तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अपने कमरे की बहुत बुरी. अच्छा मुझे बताओ अलीना, और इन चीजों के, ये सीशल का बहुत ज्यादा काम है, बहुत पसंद है? बहुत ज्यादा पसंद है मुझे. ये इसमें ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर बनाया था मैंने. अच्छा, ज्वेलरी. एग्जैक्टली. ये भी और ये भी ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर. नाजरीन, आपको घर पर अगर ज्वेलरी, अपने किस कैमरे में दिखाऊं भाई? मैं ये बता दें, इसमें दिखा देती हूँ. अच्छा, तो कितना टाइम लगता है अलीना इतनी मेहनत करने में? इसमें कोई भी ज्यादा, 30 मिनट्स. 30 मिनट्स में रेडी. तो अलीना, आप फेसबुक पे वगैरह पे अपनी चीजें करती हो? बिल्कुल करती हूँ, मेरा पेज भी है. अपना पेज का नाम बताओ. जॉन रेज. सॉरी, जॉन रेज. जॉन रे. ओके, लवली लवली लवली. तो ये कैंडल स्टैंड है, राइट? ये कैंडल स्टैंड है, लेकिन जेल का बना हुआ है. जेल का बना हुआ है. तो कैसा रिस्पांस आता है? बहुत अच्छा, लोग ज्यादा यही पसंद करते हैं, सीशल. सीशल्स पसंद करते हैं डेफिनेटली. जबरदस्त. तो अलीना, फर्दर इसको एक्सपैंड करने का प्लान है? बिल्कुल है, मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ. अच्छा, जबरदस्त. ये सही है, घर में आप अपना बैठे बताया, अपने स्किल्स को करें. विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक अलीना. थैंक यू सो मच जनाब. और इसके अलावा अलीना, मिरर्स के हवाले से भी बताओ. ये जो आगे पड़े हुए हमारे पास मिरर्स, उस पर भी सीशल्स लगे हुए हैं, स्टोन्स हैं और थ्रेड वर्क है. थ्रेड वर्क है. ये वॉल हैंगिंग भी बन जाता है, वैसे भी डेकोरेशन के लिए भी, आप कहीं भी रख दो. बहुत अच्छा रहता है, इवन ड्राइंग रूम में बहुत अच्छा लगता है. ड्राइंग रूम में रखते. तो आपके घर में तो सारा सामान ऐसा ही होता है? मेरा ही है. सारे मेरी है, ये सब कुछ मेरा ही लगा हुआ है. सारा आपका लगा हुआ है. जबरदस्त. ये भी मुझे दिखाओ, ये क्या है? ये यूनिकॉर्न है. ये किससे बनाया? डो से, फॉर्मिक डो से. फॉर्मिक डो से. ये देखें जी, सबसे लो वेट होता है. ये डैमेज नहीं होता. डैमेज नहीं होता? नहीं, अगर ये गिरेगा टूटेगा नहीं. ये बिल्कुल फॉर्म हो जाता है बाद में. हाँ, ये देखो, ये फॉर्म है. जबरदस्त यार, मतलब मुझे ऐसे ऐसे बच्चे देखकर ना खुद कॉम्प्लेक्स होता है कि मुझे कुछ नहीं आता. मैं तो घर पे कोई सीधी चीज नहीं रख सकती हूँ. डागे और ये देखकर कितना जबरदस्त काम करे. चलिए जनाब अलीना, थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया कि आप इतना जबरदस्त काम कर रही हैं. विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक. हम दोबारा से अपने गेस्ट की जानिब चलते हैं जनाब. और हमारे पास मौजूद थी नादिया जाफर और डॉक्टर राफिया. अच्छा जनाब, हमारी कॉलर भी आई थी और सबके मसाइल खाने से लेकर स्कूल पे खत्म हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा. अभी उन्होंने ना टाइम आउट की बात की थी कि बच्चों को बंद कर देते हैं कमरे में. दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू. इसको हम एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है, इसको हम कहते हैं टाइम आउट. मगर ये हर कोई नहीं यूज कर सकता. ये टाइम आउट स्पेसिफिक उन एज ग्रुप के लिए होती है जिसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि ये बच्चा, ये मेरी गलती क्या है. और उसके बाद जितनी बच्चे की एज होती है उस हिसाब से हम उतना टाइम आउट करते हैं. यहाँ पे पेरेंट्स ये करते हैं कि कमरे में लॉक कर देते हैं, उससे एंगर और एग्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है. तो ये मेरा ख्याल में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए पेरेंट्स को कि खुद से लॉक करने से आप पॉजिटिव चीज को रीइन्फोर्स नहीं कर रहे, आप नेगेटिव को हाईलाइट कर रहे हैं. अब पॉजिटिव को रीइन्फोर्स करें. जब बच्चे का पॉजिटिव बिहेवियर रीइन्फोर्स होगा तो वो नेगेटिव बिहेवियर ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा. तो ये बहुत जरूरी है. दिस के ये जो पॉजिटिव बिहेवियर है, वो कहते हैं ना कैच देम बीइंग गुड गुड. वो हमें अच्छाई नजर ही नहीं आ रही होती जिस दिन उन्होंने बिस्मिल्लाह से खाना शुरू कर लिया. छोटी सी बात है ना, बिस्मिल्लाह पढ़ ली बच्चे ने, खाना अच्छी तरह से खत्म कर लिया, बर्तन उठा के किचन में रख दिए, डाइनिंग पे अरेंज कर दिए,
वो जो छोटी छोटी शाबाश है ना वो बड़ी जरूरी है, वो पॉजिटिविटी अगर हम वो देख के रीइंफोर्स करते जाएं तो मेरे ख्याल से कमरे में बंद करने वाली नौबत नहीं आती, क्योंकि वो बॉन्डिंग भी डेवलप होती जाती है। वो ये स्वेयर केस है, हाँ। और मेरे ख्याल से मुझे तो आज भी को बंद करे तो मुझे हार्ट अटैक हो सकता है, दैट इज अ वेरी स्वेयर केस, दैट कैन लीड टू सीवियर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा फॉर द चाइल्ड। बिल्कुल, उसको बच्चा बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक कंडीशन में जा सकता है और बड़े उसका सेल्फ एस्टीम बड़ा लो होता है, बहुत चीजें, ये चीजें सेल्फ एस्टीम बहुत लो कर, एग्जैक्टली। अच्छा, आपको लगता है कि अगर आप अपने बच्चे को अब भी सारी चीजें करते हैं तो ये सिर्फ उसके बचपन तक महदूद नहीं रहता, ये उसके लेटर एज में भी जाकर उसको बहुत सारे बॉडी इमेज, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी, हर चीज उसकी जो सेल्फ से रिलेटेड। हमारे मुआशरे में एक छोटे से बात तो छोटी सी है लेकिन ये बड़ा स्वेयर केस है, तो आई जस्ट वांट टू हाईलाइट, बेटी और बेटे का फर्क जो है ना वो नहीं होना चाहिए। अब किसी की तीन बेटियां पैदा हुई है ना, चौथा बेटा हुआ है ना, तो वो अच्छा जिस बेटी से, सॉरी लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी है, इस बेटी का नाम बुशरा था, इसके बाद बेटा हो गया, इतनी बड़ी कर्मा वाली, वो जो उससे पहले वाली है या वो है, मतलब ये अलमिया है सोसाइटी का, ये नहीं होना चाहिए। उसके अंदर जिद आप पैदा करते हैं, मेरा लाडला पुत्र, एक को एक पुत्र, ये इसने ये किया, हमने उसको पैम्पर करके उसको हम जैसे भी उसकी अपब्रिंगिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो उसके ऊपर अलग, वहां परमिसिव हो गया, वहां अथॉरिटेटिव हो गया, वहां हमारा स्टाइल ही चेंज हो गया बेटी के लिए। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसके ऊपर ग्रूमिंग दोनों की जो है ना जरूर ठीक हो गया। नाम हमारे पास सिंगर भी आ चुके हैं शबान मुश्ताक, उनको वेलकम करेंगे। कैसे हैं शबान? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो। अच्छा शबान, आज आप हमें क्या सुनाने वाले? आज मैं आपको दो ट्रैक सुनाता हूँ, एक तो किशोर कुमार साहब का छूकर मेरे मन का और दूसरा थोड़ा सा फंकी है अपना दिल तो आवारा। तो हम किशोर कुमार साहब का गाना सुन लेते हैं आपसे पहले, ठीक है? चलें जी, शबान से गाना सुनते हैं। जो कहे जीव भर तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोल पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं।
जबरदस्त जबरदस्त जनाब, वेल डन, थैंक यू सो मच जनाब. चूंकि हमें क्लोजिंग करनी है तो मैं चाहूंगी एक छोटा छोटा मैसेज मैं अपने दोनों मेहमानों से ले लूं. डॉक्टर आफिया, क्या मैसेज देंगे? मैं बड़ी देर से ये सोच रही थी कि हम फैमिली रूल्स जो बनाते हैं उसमें हमें बहुत सी चीज़ें इम्प्लिसिट रखते हैं, हम बच्चे को बताते नहीं हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा वैसे करे. तो मेरा ख्याल में जब फैमिली रूल्स बनाएं तो एक्सप्लिसिट रूल्स बनाएं, बच्चों को स्पेल आउट करें, बच्चों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम अस. तो उस तरीके से जो है वो उनके जो है पेरेंट्स और उनके दरमियान जो एक हार्मनी डेवलप होगी उससे ये कि बच्चे की जिद भी ऑटोमेटिकली कम होनी शुरू होगी. नादिया, मेरा मैसेज ये है कि ये ज़रूर देखिए कि घर में सब आपसे कितने खुश हैं, बच्चे आपके. मतलब आप बाहर आप जा रहे हैं, आपने सारी सोशल गैदरिंग पूरी की, आप प्रोफेशनली परफेक्ट हैं, आपने अपने इन लॉज की शादियों में कमाल किस्म की प्रेजेंस दे दी, यू आर हैप्पी एवरीवेयर, यू हैव एन इमेज, यू हैव व्हाट अ मतलब एक आपका एक इमेज है, हर कोई आपको देख के खुश हो रहा है. उदारा घर ज़रूर देखिए, आपका बच्चा आपसे मिलके खुश होता है, आप अपने बच्चे को उस तरह से खुश रख रहे हैं, वो स्माइल, वो हैप्पीनेस, वो बॉन्डिंग है. लवली लवली, थैंक यू वेरी मच आप सबका, बहुत शुक्रिया इतनी जबरदस्त डिस्कशन करने के लिए. जनाब आज का टॉपिक हमारा था कि जिद माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए. मेरे ख्याल से आज के बातों का एक हम जो निचोड़ निकालेंगे, क्रक्स निकालेंगे, वो यही है कि बच्चों के साथ कम्युनिकेट करें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करें, क्योंकि अब बच्चों में वो टेम्परामेंट, वो चीज़ें बदलती जा रही हैं. वक्त बदल रहा है तो वक्त के तकाजे भी बदल रहे हैं, लोगों के रवैये भी बदल रहे हैं और बच्चे भी बदल रहे हैं. लिहाजा कम्युनिकेशन इज़ द की कि आप अपना एक घर का माहौल जो है वो खुशगवार रख सकते हैं. अभी हम आपसे इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल. हमें फेसबुक पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. हमारा पेज जो आज के शो आपने मिस किया है तो शाम 5 बजे रात 1 बजे रिपीट भी होगा. आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. We'll be right back.